मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की एक लहर सी चल रही है। बता दें कि कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और उसी क्रम में गुनौर विधानसभा के पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे शिवदयाल बागरी ने बीते दिनों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वहीं जब इस संबंध में एमकेएन की टीम ने विधायक शिवदयाल बागरी से बातचीत की तो विधायक बागरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है और कार्यकर्ताओं की बात पर गौर भी किया जाता है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भाजपा सबको साथ लेकर विकास की गंगा बहाने वाली पार्टी है, इसीलिए मैंने यह पार्टी ज्वाइन किया है। गुनौर से संवाददाता सुरेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड्रू सुरेंद्र प्रताप सिंह। आपको एक जानकारी देनी थी। अभी आप सबको जानकारी हड़कंप मचा हुआ कि सारे बीजेपी की तरफ रुख किए हुए हैं कांग्रेसी। इसी तरह का एक घटनाक्रम हुआ है हमारे देवेंद्र नगर गुनौर विधानसभा क्षेत्र से। पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी जी ने अभी तत्काल में ही, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उन्हीं से व्यक्तिगत रूबरू होकर के कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि लंबे समय तक, अरसे तक कांग्रेस का साथ देने के बाद वो बीजेपी का दामन थाम रहे। नमस्कार विधायक जी, क्या वजह रही कि आपने बीजेपी का दामन थाम लिया जबकि काफ़ी लंबे समय तक आपने कांग्रेस की सेवा की है? कांग्रेस का और बीजेपी का इसलिए मैंने दामन थामा, कांग्रेस के जो उच्च लेवल के नेता और कार्यकर्ताओं की उपेक्षाएँ हो रही हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के और मुझे बीजेपी का कार्यशैली, उनकी जो नीतियां हैं अच्छी लगी, इसलिए मैं बीजेपी पार्टी आ रही है कि उपेक्षा। और आपके जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि अभी जो पिछले चुनाव हुए उसमें आप जीते हुए कैंडिडेट थे, फिर भी आपको टिकट ना दिया जाना। वर्तमान समय में जो लोकसभा चुनाव है उसमें PSP को टिकट दे दिया जाना, यानी मर्जिंग हुई है, सपा को टिकट दी जा रही है खजुराहो लोकसभा से, ये भी एक वजह है क्या? हाँ, ये भी वजह है। ये मुझे जब 30 साल बाद कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ 2018 में जीता और 30 साल पहले यहाँ तीसरे नंबर में कांग्रेस का प्रत्याशी बहता था, टिकट में मुझे नहीं है कि मेरी क्यों कट गई, लेकिन टिकट और 20-25 साल से कार्यकर्ता थे, काम किया है, उनको दे दिया जाता, मुझे उसमें कोई दुख नहीं था। BSP के कैंडिडेट को टिकट दी गई। विधायक जी, बीजेपी में कितने समय तक सेवा देने का विचार? बीजेपी में समय जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब तक मैं पार्टी का काम करूँ। तो ये थे